सुप्रीम कोर्ट में भी वो लोग गए थे, जिसमें उन्होंने इस एप्रिहेंशन का इजहार किया था उस फैमिली ने कि उनको प्रिजन में ही मार दिया जाएगा, कि कोई अंदर आएगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये बताया कि उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जान की। और जब उनकी फैमिली कह रही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है, तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो। जो लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको इस बात का भी अच्छी तरह से एहसास होना चाहिए कि चाहे वो घोसी रहा हो, मऊ रहा हो, गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, बलिया हो, या और भी तमाम वो इलाके हैं, वो हमेशा जो है वो कामरेड का गढ़ कहलाते थे, वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गए। न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। सब निराधार हैं, और आज के दिन में निराधार आरोप का कोई आधार नहीं बनता। आधार तब जब रिपोर्ट सामने आ जाता है। उत्तर प्रदेश में ये दहशतगर्द चलते पाते हैं, आज भी ये चल रहे हैं। सारी ये क्रिमिनल हैं और उनकी अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और विस्कारा रोड रिपोर्ट भी नहीं आई है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से राजनीतिक दल, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी के लोग कूदे हैं, तो ये दिखाता है कि एक क्रिमिनल के लिए उन लोगों को कितना दर्द है। देश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है, मौत और हत्या का फर्क मिट गया। उनका जो अतीत है वो अपराध की दुनिया से, अपराध की खबरों से, अपराध जगत से जुड़ा हुआ था। उन पर कई सौ मुकदमे थे। हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है।